अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सी, बहुत ही बेसिक सी स्नैक की रेसिपी। इसे हर कोई बना सकता है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। और अगर आपका कुछ बहुत ही टेस्टी या झटपट से बनाने का मन हो और खाने का मन हो तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया 5 से 6 ब्रेड, इसे मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी बना वाइट ब्रेड में भी बना सकते हैं, बट मुझे इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाना था तो मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। तो अब इसे हम इस तरह से कुछ शेप्स में तोड़ लेंगे, ऐसे आप जैसे भी चाहें हाथ से इसे तोड़ लें। और फिर इस तरह से आप इसका थोड़ा सा इसको इसका जो ब्रेड है इसे थोड़ा सा आपको और छोटे छोटे पीसेस में इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है। अब मैंने इसे कुछ इस तरह से देखिए मैश कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए 3 बॉइल्ड मैश पोटैटोज़, और फिर उसके अंदर इसमें जाएगा 1 स्मॉल प्याज चॉप किया हुआ, और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर रही 2 से 3 हरी मिर्च जो कि चॉप करी हुई हैं। और फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स को, मैंने फाइन और फाइन इसका पाउडर कर लिया था वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, बिल्कुल भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद में हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, और बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। और फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से हाथों की हेल्प से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो बस ये मिक्सचर जो है बस तैयार हो चुका है, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। बस सारे मसाले और ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स हो जाने चाहिए हैं। ये देखिए तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर बाइंड हो गई हैं अच्छी तरह से। अब हम इसे शेप्स दे लेंगे, आप जिस तरह का भी शेप चाहें, आप इसे सर्कल में चाहें, ट्रायंगल में चाहें या फिर रेक्टेंगल में, जैसा भी, या फिर ओवल में, आप इसे किसी भी तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक शेप दे सकते हैं। ये देखिए तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह का ओवल शेप दे रही हूँ, इस तरह से मैंने इसको शेप दे लिया। बाकी के भी सारे कटलेट्स जो हैं मैं इसी तरह से इन्हें प्रिपेयर कर लूँगी। तो बाकी सारे प्रिपेयर करने के बाद में हमने इसे डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है, आपको इसको किसी भी लिक्विड के अंदर सोक नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इसे ब्रेड क्रम्स के साथ में कोट कर लेना है और बस ये रेडी हो जाते हैं। और बस फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल इसे फ्राई करने के लिए, तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, ये देखिए तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से इसे हमें ब्राउन कलर होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए सारे जो कटलेट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से फ्लिप करते हुए आपको इसे दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेना है, अच्छे से पका लेना है, क्योंकि अंदर जो पोटैटो हमने यूज़ किया वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, कुक्ड है, तो हमें इसे अंदर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसे अच्छे से गोल्डन कलर होने तक इसे फ्राई कर लेना है। और क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करी है कश्मीरी रेड चिली तो इसके अंदर जो कलर है वो थोड़ा रेडिश सा भी आने वाला है। तो ये देखिए बस इसे हम अच्छे से अलट पलट के फ्राई कर लेंगे और बस ये रेडी हो जाएंगे एकदम खाने के लिए तैयार। तो ये देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पर इसमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस अब ये अच्छी तरह से इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, दोनों साइड से अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। तो ये ऑलमोस्ट अब यहाँ पर बिल्कुल कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब सारे जो जितने कटलेट्स हमने फ्राई करे हैं वो सारे हम एक एक करके हम अच्छे से इसका ऑयल जो है वो निचोड़ कर इसे हम रिमूव कर लेंगे। और बस इसी तरह से ये बहुत ही सिंपल से हमारे कटलेट्स जो हैं बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बन के एकदम से तैयार हो चुके हैं। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए, और जब आपका मन करे आप इन्हें खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी बाकी के जो कटलेट्स बचे हुए वो भी मैं फ्राई कर लूँगी, और बस फिर हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे सर्व करें चटनी या टमाटो केचप के साथ में,
और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आगे की वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।